नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाले हैं हमारे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि दोस्तों आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि हम गणेश बप्पा जी के विसर्जन कैसे किए हैं पूरा रीति रिवाज के साथ, और हम फुल डांस किए, इंजॉय किए, वो भी हर एक चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे दोस्तों बने रहे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम जो भी पूजा पाठ करना है इसके लिए सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं। हम सबसे पहले प्रसाद बना लेंगे। हम प्रसाद में यूज करने वाले हैं, ये रहा हमारा पोहा, इसमें जाएगा बूंदी और बारीक कटा हुआ नारियल, और जो भी प्रसाद है इसमें मिक्स कर लेंगे। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं जो गणेश भगवान जी का जो विसर्जन होता है इस दिन बहुत ही धूमधाम से हर जगह मनाया जाता है गणेश जी का विसर्जन। आज भी हम ऐसे ही मनाने वाले हैं बहुत ही धूमधाम से। आप वीडियो में बस बने रहिए, इस वीडियो में आप लोगों को फुल एंटरटेनमेंट और एंजॉय होने वाला है। जल्दी हो
दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे गांव के तालाब। आप देख सकते हैं सभी बच्चे लोग कितना मस्ती कर रहे हैं और सब लोग बहुत ही इंजॉय भी कर रहे हैं क्योंकि बप्पा जी का विसर्जन जो करना है। दोस्तों एक बार आप लोग भी ज़ोर से बोलिए गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तुम जल्दी आना। दोस्तों देख सकते हैं हमारे गाँव का तालाब, पानी दोस्तों एकदम भरा हुआ है इसलिए थोड़ा रिक्स है और हम भी बहुत सावधानी से गणेश बप्पा जी विसर्जन करेंगे क्योंकि कोई भी रिक्स हम लोग लेना नहीं चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भगवान जी का मूर्ति हम ले आए हैं। अभी हम बप्पा जी को गाड़ी से उतार के तालाब के किनारे ले जाएंगे और वहाँ पे हम बप्पा जी का पूजा करेंगे, आरती वगैरह करना, उसके बाद हम गणेश बप्पा जी का विसर्जन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही भीड़ है, बहुत ही बच्चे लोग आए हैं, बहुत ही गांव के लेडीज़ लोग भी आए हैं जो अभी पूजा करने में हमारा सहायता करेंगे। अभी हम अगरबत्ती जलाएंगे और नारियल फोड़ेंगे और बप्पा जी का विसर्जन करेंगे और बप्पा जी से निवेदन करेंगे कि अगले साल थोड़ा जल्दी आए ताकि हम फिर से ऐसी एंजॉय कर सके और बप्पा जी का अच्छे से आदर और सत्कार कर सके। दोस्तों उम्मीद है मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा होगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। दोस्तों जब गणपति बप्पा आता है तब तो अच्छा लगता ही है लेकिन जब जाता है तब भी थोड़ा सा अच्छा लगता है लेकिन दोस्तों बुरा तो लगता ही है क्योंकि बप्पा फिर अगले साल आएंगे, एक साल बाद फिर आएंगे।
दोस्तों हम गणपति बप्पा जी के विसर्जन कर दिए हैं। दोस्तों उम्मीद है कि मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत किए हैं और गणपति बप्पा जी के पूजा और जो भी कार्यक्रम उसमें भी हम बहुत मेहनत किए हैं। दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और दोस्तों हम अच्छे अच्छे और भी वीडियो लाने वाले, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।